हम आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल में माय सिटी फूड सीकर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने बनाया है ईद स्पेशल मटन पुलाव। इसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मजे का बनता है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं mycityfoodseeker.com को। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ कि इसमें किन किन चीजों की जरूरत है और इसे कैसे बनाते हैं। जी व्यूअर्स, एक प्रेशर कुकर ले लिया, हाफ के जी हमने मटन की चांपे ले लिए हैं, हाफ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, एक अदर बड़े साइज की हमने प्याज ले लिया है, दो छोटे लहसुन, हाफ टी स्पून जीरा ले लिया है, एक अदर बादियान का फूल, एक अदर बड़ी इलायची, एक इंच का टुकड़ा दालचीनी का, पानी ऐड कर देंगे इसमें चार छोटे गिलास, ढक्कन बंद करेंगे, वेट लगाएंगे और 25 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, अब चूल्हा बंद कर देंगे और वेट को डालेंगे। जी व्यूअर्स, ढक्कन खोल लेंगे और यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, एक पैन ले लिया, इसमें हाफ कप ऑयल का ले लिया, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, एक अदर बड़े साइज के हमने प्याज ले लिए, अब इसमें प्याज की अमली करेंगे और इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, प्याज हमारा लाइट गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब इसमें मटन ऐड करेंगे, वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, दो से तीन मिनट के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। मटन को हमने अच्छे से दो से तीन मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, एक अदर बड़े साइज से हमने टमाटर ले लिए, तीन अदर साबुत हमने हरी मिर्चे ले लिए, दरमियान से हमने कट लगा लिया, अब ये शामिल करेंगे, एक मिनट के लिए इसे भी फ्राई कर लेंगे। एक से दो मिनट के लिए हमने इसको भी फ्राई कर लिया है, अब इसमें वन टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, इसको 30 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। मसालों को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब इसमें तैयार की हुई यखनी ऐड करेंगे, डेढ़ गिलास हमने चावल लिए थे, ढाई गिलास यखनी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम उबाल आने देंगे। जी व्यूअर्स, पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, अब इसमें चावल ऐड करेंगे, चावलों को आधे घंटे पहले ही हमने भिगो दिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। जी व्यूअर्स, चावलों का पानी ऑलमोस्ट फ्राई होने वाला है, अब हम चूल्हे की आग स्लो करेंगे, इसे कवर कर देंगे
नीचे एक तवा रखेंगे, और 8 से 9 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे दम देंगे। जी व्यूअर, इसे दम दिए हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे और ढक्कन हटा लेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त हमारा पुलाव जो है तैयार हुआ है। ईद स्पेशल मटन पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मजे का बनता है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा ट्राई करें, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं mycityfoodsecret.com को। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।